नमस्कार, मैं हृदेश धारवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कि उपचुनाव में किसकी होगी दिवाली, जो जिस तरीके से उपचुनाव का सब समर चल रहा था, उपचुनाव की अब जो है प्रचार का पहिया थम चुका है, सभाएं खत्म हो चुकी हैं, अब जो है डोर टू डोर पार्टियों का जनसंपर्क होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का मुद्दा महज आदिवासियों के चारों तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर प्रत्याशी बाहरी न होकर खुद को स्थानीय बताने की जद्दोजहद में भी जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई खंडवा सीट को हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख दल भारी मशक्कत कर रहे हैं। इस लोकसभा सीट में 6.5 लाख से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, जिन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आदिवासियों के साथ घटी घटनाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी पारंपरिक सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो कांग्रेस से राज नारायण प्रत्याशी हैं। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव जातिगत वोटों को साधने की ओर मुड़ गया है। हालांकि यहां पहले सहानुभूति और विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन अब सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने में जुट गई हैं। पृथ्वीपुर में 1,98,000 वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 30,000 ब्राह्मण और इतने ही यादव समाज के लोग हैं। हालांकि बीजेपी ने यादव समाज को साधने शिशुपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन इससे ब्राह्मण खफा हो गए हैं, जिसके बाद से भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे, चाहे फिर वो मंत्री गोपाल भार्गव हों या वीडी शर्मा, सभी के यहाँ दौरे तेज चल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद उनके पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नितेंद्र खुद में अपने पिता का अक्स दिखाकर लोगों से मत हासिल करने में जुटे हुए हैं। 15 माह की जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही, उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लूट, माफिया राज चला है, और ये खुद उनके मंत्री उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ जी के संरक्षण में, दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण में माफिया पनप रहा है। जो कभी 5वीं मंजिल से जिन्होंने वल्लभ भवन की झांक के नहीं देखा, किसान जब जब मुश्किल में पड़े, चाहे ओला पड़ा हो, पाला पड़ा हो, उन्होंने कभी उनके बीच में जाने की जहमत नहीं उठाई, तो जनता ने ये सारे कार्यकाल देखे हैं, चाहे शिवराज जी का हो, चाहे कमलनाथ जी का हो। और इन सब को देखते हुए जहां जन जन के बीच में निरंतर शिवराज जी रहते हैं, और जिस तरीके से प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मोर्चे के कार्यकर्ता मोर्चा जमाए डटे हुए हैं जनता के बीच में, निश्चित ही 2 तारीख को आने वाले परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिवाली मनाएगी और कांग्रेस पार्टी का दिवाला निकलेगा। सतना की रैगांव सीट पर पिछली बार भाजपा के जुगल किशोर बागरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार यहां दिवंगत जुगल किशोर के बड़े भाई के घर की बेटी को, प्रतिमा बागरी को, बीजेपी ने टिकट दिया है, जिससे पूर्व विधायक के दोनों बेटे खफा हो गए हैं। वहीं इन्हीं के परिवार के धीरेन्द्र सिंह धीरू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए हैं, जिससे बागरी समाज के 20,000 वोट बटने की संभावना है। वहीं 50,000 दलित वोट होने से कांग्रेस की कल्पना वर्मा को काफी मजबूती मिल रही है, क्योंकि इस बार बसपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, जिससे दलित वोट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने 15 महीनों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाकर वोट मांग रही है। बीजेपी ने यहां पर महिला कार्ड खेला है। इस क्षेत्र में रोजगार न मिलने के चलते पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहां ये मुद्दा नहीं है। जोबट में कांग्रेस से भाजपा में सुलोचना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, जो 3 बार विधायक रह चुकी हैं और दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के स्थान पर महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल, जो कि अलीराजपुर की राजनीति करते हैं, वे कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में किए गए कामों को बताकर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो दिवाला निकल चुका है, तो जाहिर है दिवाली कौन मनाएगा? दिवाली कांग्रेस मनाएगी। जिन पार्टियों में इतनी कुवत नहीं बची कि वो अपनी पार्टी में उम्मीदवार ढूंढ पाए, उनका दिवाला निकल चुका है। इस मामले में दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार चुराने पड़ रहे हैं। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र के मंत्री, दिल्ली के मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सबको झोंक दिया उन्होंने इन 4 उपचुनाव में।
हालत आप देखें इसमें, और ये 17 साल से सरकार में है, इतना कॉन्फिडेंस जिस सरकार में नहीं है तो उसका तो दिवाला निकल चुका है। तो हमारी दिवाली होगी और जनता की दिवाली होगी जिसको ये सता रहे हैं, पेट्रोल से मार रहे हैं, जिसके ऊपर जो है बेरोजगारी से जिसको मार रहे हैं, जिसको जो है जानवरों के खाने लायक ये चावल सप्लाई कर रहे हैं, जिनको जो है इन्होंने कोरोना की महामारी के बीच में बिस्तर बेच बेच के लूटा है, नकली दवाइयां देकर लूटा है, जिनके घरों में मातम छाया हुआ है, वो लोगों की दिवाली होगी, वो लोग जीतेंगे, वो इन्हें दिखाएंगे तमाशा, इनका तो दिवाला निकल चुका है। बहरहाल चुनाव प्रचार अब थम चुका है, दोनों ही पार्टियां प्रचार में अपना पूरा दमखम दिखा चुकी हैं। तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। हालांकि अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनता का झुकाव इस उपचुनाव में किस पार्टी की ओर नजर आता है और कौन सी पार्टी जीत का सहरा अपने सिर बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखा आपने जिस तरीके से रिपोर्ट दिखाई कि हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, लेकिन अब क्या है, चुनाव का पहिया थम चुका है, अब जीत किसकी होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से माहौल सामने इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं, ये पहले परिचय करा दें, आपको मेहमान साथ जुड़े हैं हमारे, हमारे स्टेट पंकज गुप्ता के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस जुड़े हैं राम पांडे जी, पंकज जी दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल लूंगा राम पांडे जी आपसे, जिस तरीके से चुनाव का पहिया थम चुका है, अब पूरी घड़ी हो चुकी है, मेहनत सामने आ चुकी है, अब दिवाली किसकी मनेगी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो दिवाली किसकी होगी, कितना आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? जी, ये मैं समझता हूँ दिवाली मनेगी या नहीं मनेगी ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम से रिलेटेड है और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करने के बाद सोने की लंका। जी, ये जश्न वाली बात भी नहीं है, ये बात है जनता के दुख दर्द की, कि जनता के दुख दर्द को कौन बेहतर समझता है, प्रदेश को कौन आगे ले जा सकता है, देश को कौन आगे ले जा सकता है, बात ये है, दिवाली और दिवाला की बात नहीं है। और जैसा कि आपने भी बताया और हम रोज देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चारों चुनावी क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, सारा मंत्रिमंडल पड़ा हुआ है, सारे विधायक पड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री पड़े हुए हैं और दूसरे प्रदेशों के भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं और वहां जाके क्या कह रहे हैं कि हमने काम किया है। अरे जब काम किया है तो फिर आने की जरूरत ही क्या थी, वो तो काम देखता ना आपका, और काम किया होता तो फिर अपने प्रत्याशी खड़े करते, कांग्रेस और सपा से लाने की क्या जरूरत थी, तो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं भाई, सपा से और कांग्रेस से प्रत्याशी ला रहे हैं तो खुद ही प्रमाणित किया कर दिया कि हमने काम नहीं किया है। और ये सारा पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की इस समय भयानक जो समस्याएं चल रही है, जैसे किसानों की खाद की समस्या चल रही है, किसान खाद से बहुत परेशान है, यहाँ तक कि महिलाएं भी रात रात भर लाइन में लगी हुई हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और यदि खाद मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, मतलब जो सहकारी सोसाइटी है वहां खाद नहीं मिल रहा है, यदि खाद लेना है तो वो ब्लैक में मिलेगा, उससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उनकी लागत डबल हो रही है, बार बार जुताई हो रही है, बार बार उनको बीज डालना पड़ रहा है, डेंगू से पूरा प्रदेश परेशान चल रहा है, बिजली कटौती से परेशान चल रहा है, कोयले की कमी से परेशान चल रहा है, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, ये सब के सब भाँ पड़े हुए हैं, फिर भी एक महिला के घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए और वो चूल्हे पर खाना बना रही है, मतलब फिर भी इनको शर्म नहीं आती है, वहां जाके कहते हैं भाषण में कि हमने उज्ज्वला गैस दी, भाई उज्ज्वला गैस दी तो फिर आप चूल्हे पर बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, एक गरीब महिला आती है कि आपकी जो योजनाएं आप जो भाषण दे रहे हैं उनका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, पुलिस वाले आते हैं उसका मुंह बंद करके पकड़ के ले जाते हैं और वहां से उसको बाहर कर देते हैं। तो ये महिलाओं के साथ इस तरह का मतलब चुनाव प्रचार के दौरान व्यवहार किया जा रहा है। महंगाई आप देख ही रहे हैं, 118 का रोज बात कर रहे हैं, डिबेट करते करते ही 18 रुपए भर गए जब से चुनाव हुए हैं, ठीक है, मैं पहले बोलता था कि भाई 102 का पेट्रोल हो गया 104, आज डिबेट करते करते ही ये पेट्रोल ये चुनावी समर में कि 118 का पेट्रोल हो गया, डीजल 100 के पार हो गया, जब डीजल 100 के पार हो गया तो किसानों का क्या हाल होगा, किसानों के लिए डीजल भी ज्यादा, खाद मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो ब्लैक में डबल रेट में मिल रहा है, DAP महंगा मिल रहा है, कीटनाशक महंगा मिल रहा है, बिजली महंगी मिल रही है, 12 घंटे बिजली मिलना चाहिए, कमलनाथ सरकार में मिलती थी, मुश्किल से 3 घंटे बिजली मिल रही है, तो हर तरह से किसान परेशान, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है,
आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बाहर नौकरी करने जाता है, बाहर का युवा मध्य प्रदेश नौकरी करने नहीं आता है। कोरोना काल में हम देख चुके हैं लाखों मजदूर जो बाहर से आ रहे थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से कोई बाहर नहीं जा रहा था, मतलब मध्य प्रदेश में ये रोजगारी पैदा नहीं कर सके, बेरोजगारी में नंबर वन कर दिया, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। ये मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ चुके संदीप पटेल जी। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। जिस तरीके से बात चल रही है आपने नजदीक से देखा है, क्योंकि जिस तरीके से राम पांडे जी के आरोप पे महंगाई है, चीजें बढ़ रही थी लगातार, खाद की कमी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तमाम मुद्दे हावी हैं। पेट्रोल 102 था, चुनावी समारोह में 118 रुपये पहुँच चुका है, तो इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है और चुनाव में जीत के लिए कितने आश्वस्त है? देखिए निश्चित रूप से हृदय जी, महंगाई है, लेकिन महंगाई के जो कारण है वो वैश्विक है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ना बढ़ी है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी महंगाई बढ़ी है। मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, और ये बड़ी स्पष्ट नीति है। देखिए आप कि ऐसा नहीं किया है कि उपचुनाव है तो कुछ रिलीफ, परमानेंट रिलीफ मिले मध्य प्रदेश की जनता को, ये मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है। और निश्चित रूप से बहुत जल्द महंगाई पर भी अंकुश लगाया जाएगा। मैं आपकी बहस को आगे पहले नहीं सुन पाया तकनीकी कारणों से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चारों उपचुनाव में जनता उसी को वोट देने वाली है जो जनता के बीच रहा हो, जो जनता के दुख दर्द को समझने का काम करता हो, उसको दूर करने का काम करता हो। जनता कभी भी ट्विटर के नेता को कैबिन के अंदर बैठकर जो बयान दे देते हैं, टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता कभी उनको प्रतिसाद नहीं देती है। और ये लगातार हम पूरे देश में भी और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और पिछले उपचुनाव में भी हमने देखा 28 उपचुनाव में। तो ये 72 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार रुका है, जनता बहुत समझदार है। 8 वो विधानसभा है जहां लोकसभा का चुनाव होना है, और 3 विधानसभा वो जहां 3 विधानसभा का चुनाव है। तो 11 ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक जाकर काम किया है, और गांव गरीब और किसान की जिस प्रकार से सेवा करने का काम किया है पिछले दिनों, उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी इन चारों उपचुनाव को जीतने जा रही है। और जनता जनार्दन का धन्यवाद हम दीपावली के साथ देंगे। शायद ये प्रश्न आपका था, मैं आधा अधूरा सुन पाया था। ठीक है पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद 29 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक लगभग 39 सभाएं की हैं। शिवराज जी ने खुद मुख्यमंत्री हैं, लगातार क्षेत्र में गए, चारों जगहों पर उन्होंने जाकर उपचुनाव पर प्रचार प्रसार किया है। आपका लगता है कि जिस तरीके का जो है चुनाव का बगुल बच चुका है, कम्प्लीट हो चुका है, प्रचार थम चुका है, तो परिणाम की अब सबको चिंता है, मतदान की चिंता है, मतदान किसके पक्ष में होगा, क्या लगता है आपको? देखिए हेदर जी, अभी समय तो अब आ ही गया है, निश्चित तौर पे जनता अपना अभिमत देगी, वोट डालेगी और तय करेगी कि कौन उनके लिए बेहतर उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे सिराज जी हैं, बी डी शर्मा जी हैं, बिल्कुल लगातार जो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, और देखिए उनका एक कैडर है, वो लगातार कहीं भी चुनाव हो लड़ते पूरी ताकत से हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बात जरूर है कि पूरी यूनिटी के साथ और सब मिलकर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, या एक उपचुनाव हो, लेकिन उनकी टीम, उनका नेट, जो उनकी तैयारी है, वो पूरी एक रणनीति है जो पूरी सामूहिक बनती है, और उसके हिसाब से नेता भी बुलाते हैं। देखिए बड़े से बड़ा नेता चुनाव प्रचार में आता है। अब रही बात कांग्रेस की, तो देखिए अभी अभी तो मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि इस उपचुनाव में जनता ने जो निर्णय लेगी वो आगे उसका प्रभाव इसलिए पड़ने वाला है कि आज जो मुद्दे हैं इससे बड़े मुद्दे विपक्ष के पास नहीं हो सकते हैं। आज विपक्ष के पास जितने बड़े मुद्दे हैं, जनता के सामने जो समस्याएं हैं, यदि आज उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये मान कर चलिए कि 2000 जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसलिए ये मानिए जिसकी भी दिवाली होगी वो उसका भविष्य भी उसी दिवाली से तय होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जनता अब अपना अपने वोट देने के लिए तैयार है। और जिस हिसाब से आप अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, खाद के लिए किसान परेशान है, इस माहौल में जो चुनाव हो रहा है या मतदान होंगे कल, तो उसका सीधा असर आपको 2024 में दिखेगा, क्योंकि आज जितनी जनसंख्या जनता परेशान है, मुझे नहीं लगता कि आगे इससे ज़्यादा बड़े मुद्दे विपक्ष के हाथ, ये अलग बात है कांग्रेस उसको किस ढंग से उठाती है या नहीं उठा पाती है, या उसको उसको लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाती है,
लेकिन इसका सीधा असर इस चुनाव में दिखेगा और उसी का असर आगे जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में है, मतलब मुद्दों के लिहाज से यदि बोले तो मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। और अगर इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी पार कर गई तो आगे के मार्ग एकदम प्रशस्त है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब मोदी का कितना जादू चल रहा है या शिवराज जी का कितना जादू चल रहा है ये भी तय हो जाएगा। हाँ, राम पांडे जी, पंकज जी ने जो बात की बात गंभीर है, क्योंकि आपका मुद्दे पर्याप्त हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता के भी चुनाव में गए थे, यदि जनता ने आपके मुद्दों पर यकीन किया, भरोसा किया तो परिणाम पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, सनवर जी ने भी कहा, वो टीवी पर ट्विटर पर ही सीमित रह गए, क्षेत्र में एकजुट हो नहीं पाए और चुनावी समर के बीच आपके बुरहानपुर के विधायक खुद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जी जी जी, वो तो पाकिस्तानी कहते थे ना, ये जो बुरहानपुर से विधायक गए हैं उनको ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो राष्ट्रद्रोही है। अब ये पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही में क्यों ले रहे हैं ये समय, ठीक है? और जब कैडर बेस पार्टी है तो सपा से बुलाकर टिकट क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस से बुलाकर टिकट क्यों दे रहे हैं? भाई कैडर बेस पार्टी है और आप इतना भी कैडर तैयार नहीं कर पाए कि आपके पास लड़ने के लिए लोग हों। और अभी जैसे पंकज जी ने कहा कि आगे कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, अभी ये मुद्दे हैं भाई, कांग्रेस के अकेले के लिए मुसीबत नहीं है ये 118 का पेट्रोल, ये कांग्रेस के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, जनता के लिए भी है, छात्र किसान के लिए, महिला के लिए, हर वर्ग के लिए, पूरे 130 करोड़ के लोगों के लिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी परेशान है। तो ये समस्या केवल कांग्रेस की नहीं है, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, टमाटर 100 का बिक रहा है, प्याज 60 की बिक रही है, बेरोजगारी हो रही है, ये समस्या पूरे देश की है। और इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस कारण हम पार्टियों को वोट देते हैं कि नहीं, ये महंगाई कम करने में थोड़ा सा असफल रहे थे, अब इनको देख लिया जाए। तो आप कब तुलना करेंगे तो हमारे समय पर यदि महंगाई बढ़ती थी तो आमदनी ज्यादा बढ़ती थी, लोग साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए थे, मोटरसाइकिल से कार पर आ गए थे, पूरे गांव में लगभग आधे गांव के पास ट्रैक्टर उपलब्ध हो गए थे, तो लोगों की समृद्धि बढ़ रही थी। अभी क्या हो रहा है कि सरसों का तेल तो हो रहा है 200 रुपए, सीमेंट की बोरी हो रही है 400 की, जो रेत की ट्रॉली 1500 2000 में 8000 में मिल रही है, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, आमदनी आधा हो रही है, इसलिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है। और मैं तो जनता से अपील करूंगा कि भाई आप मुझे यदि सुन रहे हैं तो अब जाग जाइए, क्योंकि आपके देखते 70 से पेट्रोल 70 रुपए पर नहीं पहुंचा, 70 सालों में, 7 साल में 70 से लेकर 118 तक आपके सामने पहुंच चुका है। और यदि आप अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आप 150 और 200 का पेट्रोल लेने के लिए तैयार रहिए। आज आप देख चुके हैं कि हमारा देश टॉप 100 में भुखमरी पे नंबर 1 है, ये भारत की दुर्दशा हो चुकी है, ये जुटबाजी और घोषणाबाजी के कारण और परिणाम नहीं देने के कारण, जो शिवराज जी 22,000 जो घोषणाएं कर चुके हैं और उनको जो पूरा नहीं, उनके कारण मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी लोग जा रहे हैं तो अपने विकास कार्य बताएं। अब हम पृथ्वीपुर की बात करें, आप बताइए 11.5 महीने की सरकार थी, मैं खुद पृथ्वीपुर से कल लौटा हूं मैं, तो वहां एक जामनी नदी और बेतवा नदी पड़ती है, सिंगल रोड है, जर्जर रोड, उसमें से आए दिन लोग नदी में गिर के मर जाते हैं, गाड़ियां गिर जाती है, वो रोड 17 साल में डबल नहीं हो। कमलनाथ जी की 11.5 महीने की सरकार में ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने उस रोड को सैंक्शन करा दिया, उस पुल को सैंक्शन करा दिया, उसका काम शुरू कर दिया, आधा काम कंप्लीट, बरतारने को भी बंद कर रखा है, नेवाड़ी को जिला बना दिया। खंडवा की बात करें तो वहां नेपा नगर मिल है जो पूरे देश में फेमस है, बंद थी, अरुण यादव जी ने वहां 1200 करोड़ रुपया नेपा नगर मिल को दिलाकर उस मिल को चालू कराया, ताप्ती मिल को चालू कराया। ये चारों विधानसभा क्षेत्रों में जहां भी काम हुए, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आईआईटी कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब किसने दिया है? ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं वहां जा रहे हैं तो आपने जो काम किया है वो गिनाइए, हम जा रहे हैं हम अपने काम गिना रहे हैं, हम मात्र 11.5 महीने के काम गिना रहे हैं और आप 17 साल के विकास कार्य वहां नहीं गिना पा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने कहा है हरदेश जी कि जनता में गरीबी इन्होंने हटाई दी, इन्होंने कहा कि लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं होते थे, ट्रैक्टर आ गए, साइकिल नहीं होते थे, मोटरसाइकिल आ गई, इनकी सारी बातें जो है वो शब्दों में है,
नारों में है, इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस ने गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो नारा रह गया। गरीबी हटाने का काम किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गांव गरीब किसान के विकास का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देख लीजिए 15 साल पहले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रोडों की हालत क्या थी? रोडों की हालत यह थी कि मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर जब हम आते थे तो पहचान लेते थे कि मध्य प्रदेश की सीमा आ गई गड्ढों के कारण से। अरे इंदौर से खंडवा बिजली के हाल क्या थे? खंडवा में बिजली के हाल क्या थे? इंदौर से खंडवा बिजली के हाल क्या थे? इंदौर से बिजली नहीं आती थी। आपका कोई नेता खंडवा में बिजली नहीं आती थी। नेता खंडवा के हाल क्या थे? ये खेती नहीं कर पाते थे। आज खंडवा का जाल बिछा दो घंटा जाल बिछा राम ने जाल बिछा रोड पर जाकर जाल बिछा गांव गांव योजना के माध्यम से आपको शर्म नहीं आती है? आप स्वयं आपको आपको शर्म नहीं आती है? शर्म आपको नहीं आती है? कोरोना काल में राशन बेरोजगारी करने की बात है, शर्म करने की बात नहीं है। लोगों को साथ खड़ा होना शर्म नहीं है? लोगों को साथ खड़ा होना गौरव की बात है। क्या बात करते हैं राम जी? आइए मोदी जी शिवराज ट्विटर से आपको नफरत है? ट्विटर से आप सिर्फ ट्विटर पे आप सिर्फ ट्विटर पे सेवा करते हैं? जनता के बीच आइए, जनता के बीच, जनता के बीच आइए, 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 जनता के बीच आइए। आज अरे 40 लाख लोगों को राशन देने का काम किया है, शर्म नहीं आती है? हर राशन देने का काम किया है? जनता सब देख रही है, जनता आपको इसीलिए राम पांडे जी की आप दोनों तरफ एक एक करके अपनी बात रखें ताकि जनता सुन पाए, समझ पाए, जनता इसका फैसला करेगी। जनता आपको सुन रही है, जनता को देख रही है। आप एक एक करके अपनी बात रखें। जीएसटी से पैसा आ रहा है, हरदेव जी हमसे बात करने आ रहा है, पहले से पैसा ज्यादा आ रहा है, फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। चार जीएसटी से पंकजी बढ़ रहा है, डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? चार से 44 पर आ गए। सड़क थी, बिजली थी, आज भी हालत जस के तस क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल आपकी औकात दो रह जाएगी, चिंता मत कीजिए। 32 सालों तक आपकी औकात बड़ी औकात वाले हैं। आप भी औकात वाले हैं, जनता के अधिकारी और गलत की भूमिका निभाइए। आपकी औकात दो सीट और बड़ी औकात वाले हैं, देश को गरीबी में आप बड़ी औकात वाले हैं, जनता के बीच जाने के राम पांडे जी संदेश दिया। एक एक करके बात है, पंकज जी को अपनी बात रखने दीजिए, पंकज जी को सुन लीजिए। पंकज जी क्या बोल रहे हैं? राम पांडे जी पंकज जी बात रखने दीजिए। देखिए जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय प्रवक्ताओं को जरूर सुनना चाहिए कि अगर हमारे इस तरह से चिल्लाने से अगर जनता समझ जाएगी तो निश्चित तौर पर दोनों दलों का भला होगा, लेकिन अपने मुद्दे ही लेके सामने आना होगा। और ये देखिए ये बात सही है कि 2003 की स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश के हालात उतने अच्छे नहीं थे और जो स्थिति थी वो कर्ज की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब 15-20 सालों का अगर लगभग आज जितना बजट है उससे ज्यादा कर्ज है, निश्चित तौर पे अगर हम 20 सालों की बात करें तो 10 गुना कर्ज बढ़ चुका है आज की जनता पार्टी ही ज्यादा बनेगी। क्योंकि आप अब आप अगर विकास के लिए कर्ज लेना होगा तो और कर्ज लेंगे। संजय जी आपको पर्याप्त मौका मिलेगा बोलने का, राम जी आपको मौका मिलेगा बोलने का, 10,000 करोड़ से ढाई लाख पर्याप्त मौका मिलेगा बोलने का। जो 5,000 करोड़ है उससे ज्यादा का कर्ज है मध्य प्रदेश पर, जितना बजट है उससे ज्यादा का कर्ज रखता है। देखिए पर्याप्त समय मिलेगा आपको, पंकज जी को बात रखनी दीजिए पहले। राम पांडे जी मैं किसी दल पंकज जी को बता होना चाहिए वर्तमान में ढाई लाख करोड़ रुपए का है कि बात सिर्फ एक कार्यकाल की नहीं है। और मैं तो खुद कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब पिछले 20 साल पहले की बातें करना भी कहीं से भी अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि इसलिए कि अब बदलाव अब पिछले 4-2 दशक से आप सत्ता पे हैं तो अब तो जो भी जिम्मेदारी होगी वो आप ही की होगी। सड़क खराब है, आज भी सड़कों की हालत बहुत अच्छे नहीं है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं हमारे सरदार पटेल जी।
कि आज भी सड़कों के हालात अच्छे नहीं है, प्रदेश की स्थिति बहुत अजा, लेकिन हाँ जो पिछले जो भी हुआ जो कि सत्ता में जो होता है उसको जो जवाबदेही उसी ही बनती है और लोग सवाल भी उसी से पूछते हैं। तो ये जो अभी जो आप, मैं समझ रहा हूँ जो आप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो ये उपचुनाव का रिजल्ट आएगा वो आपकी जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है या नहीं है। और ये मैंने फिर कहा ना कि इतने गंभीर इस समय विषय हैं, मुद्दे हैं, जनता अगर नाराजगी है तो वो निकल के बाहर आएगी, और अब बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है, तो निश्चित तौर आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है। जी संदर जी, सत्ता का सेमीफाइनल है, 23 का चुनाव आपके सामने है, लेकिन आप हर बार जब बात होती विकास की तो आप कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, तो कांग्रेस ने जो गलतियां की क्या आप भी वही गलती करेंगे क्या? नहीं हरदेश जी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जनता जनार्दन है और जनता ने सबको पहचान लिया। पिछले 15 माह की सरकार और वर्तमान की सरकार में भारतीय जनता तुलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्रतिसाद दे रही है, पूरा आशीर्वाद दे रही है। और जैसा आपने इस डिबेट की शुरुआत में कहा था कि शिवराज सिंह जी चौहान 39 सभाएं करी है, शिवराज सिंह जी चौहान ने 50 सभाएं की है और विष्णुदत्त शर्मा जी ने 55+25 चुनाव के पहले 25 और चुनाव के दौरान 55-80 सभाएं किए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और नेताओं का जनता के बीच में जाने का रिपोर्ट कार्ड है। कांग्रेस के लोग कहां हैं? ट्विटर पर हैं, जनता के बीच में बुलाइए उनको। अगर जनता के लिए काम किया है तो जनता के बीच में आए, उनसे आशीर्वाद मांगे। हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ परंपरा का निर्माण करें विपक्ष के रूप में, लेकिन वो कहां करते हैं? वो तो टीवी पर करते हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी का रोल बहुत सीमित रहा, मतलब मैं राम पांडे से सवाल रहा। एक बार जब वो आए तो अरुण यादव जी को टिकट कट गया, दूसरी बार आए तो सचिन बिरला जी चले गए, ये उनका रोल रहा। दो बार वो चुनाव क्षेत्र में राम पांडे जी बात रहे, दिग्विजय सिंह, पंकज जी ने सवाल पूछा, दिग्विजय सिंह का पहला बयान था कि जब जब बोलते हैं तो उनके बोलने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। देखिए इनके जो प्रभारी है मुरलीधर राव, वो कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक नालायक हैं। मुरलीधर राव इनके जो प्रभारी हैं वो कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक नालायक हैं। अजय बिश्नोई कह चुके हैं ये मुख्यमंत्री निकम्मा है, झूठा है। और जो इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 40 सभाएं कर चुके हैं, अरे ये 400 बोल सकते हैं, 4000 बोल सकते हैं, 4 लाख बोल सकते हैं, इनको झूठ बोलने के लिए किसने रोका है? ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये भगवान भी इन्होंने ये बोला था कि मुख्यमंत्री 400 सभाएं कर चुके हैं, बीडी शर्मा 400 सभाएं कर चुके हैं, दमोह में भी वो यही बोला था, इनको झूठ बोलने के लिए किसने रोका? ये झूठ बोलना तो इन्होंने पेटेंट करा रखा है। 10 महीने से किसान पड़े हुए दिल्ली में, वो किसान नहीं दिख रहे इनको, मजदूर चल रहे थे रोड़ों पर वो नहीं इनको दिखे, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं दिखे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं दिखे, जनता 10 महीने वो नहीं दिख रही, इनको जनता नहीं दिख रही है, 118 रुपए का पेट्रोल नहीं दिख रहा है। राम पांडे जी, सवाल चुनावी सभा के दौरान दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आए, कहीं नहीं दिखे, उनके अलावा कोई दिखता है आपको? यूरिया के दाम महंगे हो गए वो दिखाई दे रहा है क्या? बिजली महंगी हो गई वो दिखाई दे रहा है क्या? बेरोजगारी युवा दिखाई दे रहा है क्या? उज्ज्वला गैस का दिखाई दे रहा है क्या? कांग्रेस दिखाई नहीं देगी, अंग्रेज लोगों को दिखाई देगी, ग्रस्त राष्ट्र लोगों को कांग्रेस दिखाई देगी, इनको दबों में दिखाई नहीं देती। संजय जी, एक सवाल ये आता है कि आप बार बार सभा में दावा करते हैं कि हम उज्ज्वला योजना देश के लिए, शिवराज जी खुद चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे की रोटी खा रहे थे, तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन कहाँ गए? हरदेश भाई, वहां किसी प्रकार का कोई अन्य कारण होगा, गैस की टंकी उस दिन सभा खत्म हो गई होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं दो दो टंकी होना जरूरी है, कोई कोई कारण रहा होगा कि किस कारण से उन्होंने चूल्हे पर रोटी बनाई है।
इसका ये मतलब नहीं कि उज्ज्वला का लाभ हिंदुस्तान भर में करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ बहनों को करोड़ों करोड़ बहनों को एक करोड़ करोड़ समय समय की सीमाएं राम पाले जी संजय पटेल जी पंकज जी आप तीनों मेहमान समय की सीमा है बात उपचुनाव को लेकर उपचुनाव में आखिर जीत किसकी होगी क्योंकि चुनाव का पहिया थम चुका है प्रचार प्रसार बंद हो चुके हैं अब डोर टू डोर जनसंपर्क जारी है और 30 तारीख को वोटिंग होनी है अब वोटिंग के बाद परिणाम किसके पक्ष में होंगे यह आने वाले वक्त बताएगा फिलहाल चर्चा में इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार।